जिसका परिणाम है कि 43 बच्चे प्रथम श्रेणी में आए। तो स्वप्न देखिए आप लोग, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा स्वप्न देखा। और एक बात मैं बता दूं, मैट्रिक में जो प्रथम स्थान लाए हैं, मन है कि हम 8 ले लें, लेकिन देख करके अरे साइंस बहुत बढ़िया है, ये अपॉर्चुनिटी है, नहीं ऐसा नहीं करना है, लीजिए कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, जिसकी जिसकी इच्छा हो, थोपिएगा मत अपने आप को, एक बहुत बड़ा मंत्र है। नहीं तो हम देख करके बगल के लड़कों से साइंस ले लेते हैं, चलता नहीं या बीच में टकमगाने लगते हैं। इसलिए ये जो 3 विधायक हैं, इंटर में आप जाइएगा, मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए है, इंटर में पूछिएगा कि हम क्या लेना चाहते हैं, उसको ले लीजिए और उसमें लगन से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना जरूरी है, ऐसा नहीं। सिविल में जाइए, सिविल सर्विस में जाइए, उसमें अपना भविष्य बनाइए। तो थोपिएगा मत, मेरा एक अपना राय है, सजेशन, अपने पर सब्जेक्ट को थोपिएगा मत, जो दिल करे साइंस आर्ट और कॉमर्स में कोई ले। हम लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं उसका अनुभव बता रहे हैं ऐसा करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया आपको दिखाया जाए, और बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड की। तो बिहार बोर्ड ने इस बार इतिहास लिखा है, लगातार 4थी बार सबसे पहले रिजल्ट देने वाला बिहार बोर्ड बन चुका है। तो कहीं ना कहीं 31 मार्च का जो इंतजार था पूरे बिहार के छात्रों का, वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त हुई, और जब बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किया गया तो एक नया इतिहास मुकाम हुआ उस दिन। और अभी हम पहुंचे हुए हैं, बात कर रहे हैं सिवान जिले की, और सिवान जिले की बात करें तो जो सिवान में जो भी शिक्षा का अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें एक्जियम क्लासेस की बहुत बड़ा योगदान है। वही पाजे के यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम रखा गया था, जो सफल छात्र हुए हैं उनको भी सम्मानित किया गया, और वहाँ का जो डायरेक्टर है मोनू सर, उनके माध्यम से जो सबसे टॉपर बने हुए हैं 10th क्लास में, उनको साइकिल गिफ्ट किया गया। तो उसी दौरान हम यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी संस्था में कराई जाती है, और जो विगत 10 वर्षों से संस्था जो यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य कर रहा है और हर साल अपने ग्राफ में जिस तरह से बढ़ोतरी कर रहा है, कहीं ना कहीं सिवान के लिए एक अच्छा खबर है, और सिवान में जो शिक्षा की स्थिति है उसको भी सुदृढ़ कर रहा है। तो ये यहाँ के जो छात्र हैं जानते हैं, कौन से क्लास में पढ़ती है आप? 12th क्लास में। 12th क्लास यहीं पे। यहाँ पर किस तरह का तैयारी होता है थोड़ा बताइए हमारे जो दर्शक हैं उनको। यहाँ पे हमारे सर बहुत अच्छे तैयारी करवाते हैं, बहुत मेहनत और लगन के साथ तैयारी करवाते हैं, और जैसे हमारे सर बोलते हैं वैसे हम लोग भी मेहनत करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। हमारे सर जो क्लास में बात बोलते हैं उसे हम लोग एकदम कंसेंट्रेशन के साथ सुनते हैं, ताकि हम लोगों की एकदम अच्छे। आपका नाम? मेरा नाम दिशा पांडे, मैं ज्ञान से आती हूँ। और अगर मैं एग्जाम प्रेड क्लासेस की बात करूँ तो एग्जाम प्रेड क्लासेस एक बहुत ही अच्छा कोचिंग है जो कि सिवान का, यहाँ से काफी सारे टॉपर्स निकलते हैं, और मतलब अच्छा लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग डिसिप्लिन बनाए गए, जो कि सबसे ज्यादा मुझे ये इंस्पायर करते हैं। और अगर पढ़ाई की बात की जाए तो हमारे मनराज सर और वो मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र सर, एंड हम लोगों के आर्ट्स के जो मतलब टीचर हैं वो है योगेंद्र सर, वो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, कहते हैं कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और साथ ही साथ ज्यादातर अगर मैं स्टडी की बात करूं तो हमें ज्यादा टीचर पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, जितना हम सेल्फ स्टडी से कर सकते। तो देखिए इस लोगों ने, आप मुझे समय दीजिए, हम आपका उज्जवल भविष्य देंगे, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करें। और भी साथ में इनसे बात करेंगे, आपके हाथ में ये गिफ्ट दिखाई दे रहा है, कैसा गिफ्ट है? कितना नंबर है आप? 302 नंबर। तो क्या कहना चाहती है इस कोचिंग के बारे में? मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और मेरे बगल में एक दीदी ने मेरा प्रेरणा सर के पास पढ़ना, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और मैं यहाँ पे आई तो मैं देखी। कहाँ घर हुआ था? मेरा तो आइए, कुछ और भी यहाँ पे छात्र मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कहाँ घर हुआ? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? जानती है इस कोचिंग अब देना है, इस कोचिंग का किस तरह का सर तैयारी कराते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है? तो जैसे कि मनुष्य जो पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग? मैथ में कोई कठिनाई का सामना? आज देखा गया कि एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें जो टॉपर बने उनको साइकिल गिफ्ट दिया गया, तो क्या लग रहा है कि अगला साल आने वाले एग्जाम में आप टॉपर बन ही रहा है? उम्मीद है, क्योंकि बिहार टॉपर बनेगा तो लैपटॉप मिलेगा यहाँ से।
तो देखिए ये सब छात्र है, ये सब अभी तैयारी कर रहे हैं टेंथ कर, इन लोगों के हौसला भी ऊंचाइयों के छू रहा है। और इन लोगों का साफ कहना है कि अभी मनु सर जो आज अनाउंस किए हैं कि जो बिहार टॉपर आएगा मेरे कोचिंग से उसको लैपटॉप दिया जाएगा, कहीं ना कहीं वो ब्लू प्रिंट है 2023 के लिए, और कहीं ना कहीं वो छात्र उसको बखूबी समझ रहे हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पे जो छात्र है, जो ये सब सफल छात्र हैं और इंटर में है, कोई टेंथ में है, कोई नाइन्थ में है, कोई पढ़ाई करता है तो कोई पढ़ाई कर चुका है, किसी का रिजल्ट आ भी चुका है। आइए अब देखिए, क्या नाम है आपका? आपकी बहन यहाँ के टॉपर रह चुकी है इस कोचिंग के बारे में। इस कोचिंग आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? नाउ आई एम फोर्थ में ग्रेजुएशन। तो क्या लग रहा है, जैसा सुनने को मिला था वैसा रियल में दिखाई दे रहा है इस कोचिंग में? यस, क्योंकि मैं भी यहाँ पढ़ चुकी हूँ, टेंथ ट्वेल्थ में यहीं से कम्प्लीट की हूँ, और जो भी सर बताते हैं वो करके दिखाते हैं और आज तक किए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं वो अपने लाइफ में जरूर सक्सेस पाए हैं, वो अपना गोल जरूर अचीव किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हौसला का भी दाग देना पड़ेगा इन लोगों, और सब्र धैर्य भी है सर के पास जो काफी लंबा समय से यहाँ पर शिक्षा देते आ रहे हैं। और इन्हीं पे दो लाइन है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ पर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। तो कहीं ना कहीं इनके पास वो उम्मीद है, इनका ये सोच है कि बिहार का टॉपर देना है इस संस्था से, और निश्चित ही एक दिन एक यहाँ संस्था से टॉपर बनेगा। उसी पे दो लाइन और है कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, ये खासकर सर के लिए है कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं जो इनका मंजिल है, एक दिन मंजिल मिलेगा, और निश्चित ये मंजिल देने वाले यही सभी छात्र हैं, और ये सभी देश का भविष्य है और सिवान का भी भविष्य है। हो सकता है 5 से 10 साल के बाद इसी में से कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई सेना में जाएगा, तो कोई नेता बनेगा, तो कोई अभिनेता बनेगा। इसलिए कहा गया है कि बच्चे और छात्र देश का भविष्य है, तो ये भी देश के हमारे भविष्य हैं, और इन्हीं लोगों पर देश का भविष्य भी टिका हुआ है, जिसको ये लोग बखूबी समझते हैं, और यहाँ का जो टीचर है वो लोग समझाने का कोशिश भी करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनु सर का, जो इतना बड़ा सोच रखते हैं सिवान जिला के लिए, और विगत 10 वर्षों से जिस तरह से अपने ग्राफ को बढ़ाए हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। इसके लिए हमारी टीम N20 Live की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मनु सर को। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए N20 Live को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सिवान की हर जनता तक पहुंचे, और लगे कि जो सिवान में एक सुखाड़ पड़ा हुआ है टॉपरों का, उस टॉपर के सुखाड़ को दूर करने वाला और कोई नहीं, एक्जियम ब्राइट क्लासेस है, और वो मनु सर ही कर सकते हैं। तब तक